नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसका बहुत ज़्यादा आजकल जिक्र चल रहा है, और जिक्र हो भी क्यों ना, देश की राजधानी की बात है, यानी कि हमारी दिल्ली की बात है और दिल्ली के मास्टर प्लान की बात है। यानी कि पिछला मास्टर प्लान, यानी कि मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 जो है वो इस साल ख़त्म हो रहा है, और आगे आने वाले 20 सालों में दिल्ली की शक्ल सूरत कैसी रहेगी, दिल्ली कैसे दिखने वाली है, दिल्ली के लिए क्या प्लानिंग है हमारी सरकार के मन में, उसकी बात करने वाले हैं। यानी कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 2041 की बात करने वाले हैं कि अगले 20 सालों में क्या सोचा जा रहा है दिल्ली के बारे में, कैसे बदलाव सोचे जा रहे हैं दिल्ली के बारे में, क्या चेंजेस आने वाले हैं हमारी दिल्ली में, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो बात करते हैं दिल्ली की। दोस्तों, दिल्ली की जो प्लान्ड डेवलपमेंट है वो बेसिकली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA के हाथ में है, जो कि सेक्शन 7 से लेकर के 11A तक में कवर्ड होते हैं दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के तहत। तो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के तहत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये पावर मिलती है कि वो दिल्ली के मास्टर प्लान की प्लानिंग करे, और इस 8 जून को जो DDA है वो ऑलरेडी प्रिलिमिनरी अप्रूवल्स दे चुका है दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के लिए, और उसे पब्लिक पोर्टल पे ऑलरेडी डाला जा चुका है ताकि दिल्ली की जनता से, सिटीजन से इससे रिलेटेड सजेशंस या ऑब्जेक्शंस या जिस तरह के भी सुझाव हों उनको इनवाइट किया जा सके। अगर दिल्ली की जनता इसमें अपने कुछ इनपुट्स देना चाहती है तो उसके लिए इसे पब्लिक पोर्टल में ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब दोस्तों, इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये 2 वॉल्यूम्स में दिल्ली मास्टर प्लान 2041 बनाया गया है जिसमें कुछ 22 चैप्टर्स हैं। पहला वॉल्यूम प्रेजेंटली जो दिल्ली एग्जिस्ट करती है उसका पूरा ओवरव्यू दिया गया है कि प्रेजेंटली ग्लोबली पॉपुलेशन वाइज हर तरह से किस तरह से एग्जिस्ट करती है, और इसकी प्रोजेक्शंस 2041 तक क्या होने वाली है। एंड सेकेंड चैप्टर बात करता है कि हम अगले 20 साल में किस तरह की दिल्ली चाहते हैं, किस तरह की दिल्ली डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसकी जो मेन कीवर्ड्स हैं जिस पे पूरा दिल्ली मास्टर प्लान 2041 रेस्ट करता है, दैट इज सस्टेनेबल, लिवेबल एंड वाइब्रेंट दिल्ली। सस्टेनेबल यानी कि यहाँ पे सस्टेन किया जा सके, लिवेबल यानी कि रहने लायक तो हो, और वाइब्रेंट की बात कुछ नए टॉपिक्स के साथ होने वाली है। पहले बात करते हैं सस्टेनेबल एंड लिवेबल की। तो इसमें जो पहला की पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, दैट इज हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है, और ख़ास करके रेंटेड प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है। इसके लिए खास इंसेंटिवाइजेशन की बातें की गई हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, और इवन गवर्नमेंट एजेंसीज को रेंटेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की बातें की गई हैं कि ये रेंटल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि दिल्ली की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और हर कोई अपना घर खरीदने में या तो सक्षम नहीं हो पाता है दिल्ली जैसे महंगे शहर में, या फिर क्योंकि वो कहीं और का रहने वाला होता है परमानेंटली तो वो यहाँ पे घर खरीदने में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे रेंटल प्रमाइसिस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और जो दिल्ली की पॉपुलेशन है जो अभी ऑलरेडी 2.3 मिलियन है, इट्स प्रोजेक्टेड टू बी मोर देन 3 मिलियन बाई 2041। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को के हाउसिंग को कैटर करने के, अफोर्डेबल हाउसिंग को कैटर करने के लिए हाउसिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस माइग्रेंट पॉपुलेशन में माइग्रेंट लेबरर्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो सस्ते घर किराए पे मिल सकें इस पे बहुत जोर दिया गया है ताकि हर किसी को अपनी छत मिल सके।
दैट वॉज नंबर वन पॉइंट अबाउट अफोर्डेबिलिटी एंड हाउसिंग. दूसरी चीज जो लिवेबल दिल्ली में और जो दिल्ली की मेजर प्रॉब्लम है वो है यहाँ की पार्किंग प्रॉब्लम. तो पार्किंग प्रॉब्लम को लेकर के भी बहुत सारी बातें की गई हैं, सुधार की बातें की गई हैं, लेकिन जो इसका एक की पॉइंट है वो ये है कि अब हर गाड़ी जो प्राइवेटली ओन्ड गाड़ी होगी उस पर पार्किंग चार्जेस लगेंगे. सिर्फ ऑथराइज्ड पार्किंग लॉट्स में ही नहीं, बल्कि वो अगर सड़क पे, स्ट्रीट्स में, गलियों में, कहीं पे भी खड़े हैं तो इन गाड़ियों पे पार्किंग चार्जेस लगेंगे. जो भी मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स पे पार्किंग चार्जेस की बात नहीं है हालांकि, लेकिन जो मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं जो मोटर से ऑपरेट होते हैं उस पे पार्किंग चार्जेस लगने की बात है. तो इसमें आपका क्या सुझाव है कि अगर आप अपनी गली में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं उसमें भी आपको पार्किंग चार्जेस देने हैं, तो अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो जल्दी से आप जाइए इस ओपन पोर्टल में, पब्लिक पोर्टल में, और अपना सुझाव दे दीजिए. क्योंकि एक बार ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया तब तो आपके पास रास्ता नहीं बचेगा. तो अगर इन हाउसिंग या रेंटल प्रमाइसेस या फिर पार्किंग पे आपको कोई सुझाव देना है तो आप पब्लिक पोर्टल पे जाके अपना सुझाव दे सकते हैं. दूसरी बात लिवेबल दिल्ली की जब की जाती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की. तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा उसके लिए भी काफ़ी बातें हुई हैं, जिसमें एक मेजर जो पॉइंट निकाला गया है कि व्हीक्यूलर पॉल्यूशन को कम किया जाएगा, यानी कि जो गाड़ियों के थ्रू पॉल्यूशन है, क्योंकि दिल्ली जो है उन सिटीज में से है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ गाड़ियाँ हैं, प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स हैं, तो इनकी पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है. तो उस पर भी कुछ ध्यान दिया गया है, इम्प्रूवमेंट की बात हुई है, और ग्रीनर फ्यूल्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज किए जाने की बात है कि लोगों को स्विच करने पड़ सकते हैं अपने व्हीकल्स फ्रॉम नॉर्मल फ्यूल टू ग्रीनर फ्यूल्स. तो ये भी एक पॉइंट है. दूसरा, एक ग्रीन बेल्ट की बात हुई है, वाटर क्लीनिंग की भी बात हुई है. जो दिल्ली में पानी ज़्यादातर आता है यमुना नदी से या फिर बावलियों से, छोटी छोटी जो झीलें हैं दिल्ली या दिल्ली के आसपास में वहाँ से, तो उस क्लीन वाटर की भी बात हुई है. और यमुना नदी के पास एक बड़ा ग्रीन बफर बनाने की भी बात है इसमें, कि कुछ 300 मीटर की चौड़ाई पे पूरे यमुना के अलोंग साइड में ग्रीन बफर बनेगा, जहाँ पे पॉसिबल है उसमें चाहे कुछ और सौंदर्यकरण भी हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, बट प्लानिंग यही है कि पूरे यमुना के अलोंग 300 मीटर का ग्रीन बफर बनेगा, और जिससे कि यमुना भी साफ हो पाएगी और दिल्ली वालों को साफ पानी भी नसीब हो पाएगा. अब बात करते हैं कि नया क्या है इस 2041 के दिल्ली मास्टर प्लान में, इसकी हाइलाइट्स क्या हैं जो थोड़ा एक्साइट कर सकती हैं दिल्ली वालों को. तो पहली चीज दोस्तों कि पोस्ट पेंडेमिक पीरियड के बाद सरकारों को ये समझ आया कि पेंडेमिक टाइप की सिचुएशन से जूझने के लिए हमारे पास, हमारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. तो इसमें भी कम्युनिटी प्लेसेस की बात हुई है, कम्युनिटी स्पेसेस की बात हुई है, कम्युनिटी किचन्स डेवलप करने की बात है, ऐसी जगह डेवलप करने की बात है जहाँ पे क्वारंटीन हुआ जा सके, जहाँ पे इंसान रिफ्यूज ले सके पेंडेमिक टाइप की सिचुएशन में. तो ये चीज़ें डेवलप होंगी दिल्ली में. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो की नोट है, हाईलाइट है दिल्ली डेवलपमेंट प्लान का, दैट इज नाइट लाइफ ऑफ दिल्ली. यस, अगर हम इस प्लान की माने तो चांसेस आर हाई कि नाइट लाइफ बदलने वाली है दिल्ली की. नाइट लाइफ को लेकर के बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो बसेस से रिलेटेड हो, मेट्रो से रिलेटेड हो, या फिर नाइट फेस्टिवल्स की बात हो रही है, इसमें रिटेल मार्केट्स की बात हो रही है, जो जिसका नाम दिया जाएगा DDA नाइट लाइफ सर्किट. तो DDA नाइट लाइफ सर्किट बनाने की बात है, जहाँ पे दिल्ली भी रात को जागा करेगी और आप रात को भी दिल्ली में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं खुद को, क्योंकि इसमें कुछ एंटरटेनमेंट भी होगा. तो ये है दिल्ली मास्टर प्लान 2041, जो सुनने में अच्छा लग रहा है, रोजी पिक्चर है, क्योंकि यहाँ रहने की आसानी होगी, यहाँ एनवायरमेंट पॉल्यूशन की कमी होगी,
यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, यहाँ नाइट लाइफ भी होगी और कम्युनिटी स्पेसेस भी होंगे पेंडेमिक टाइप की सिचुएशन के लिए। इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ तक हो पाएगी ये हमें देखना होगा आने वाले सालों में, कि इसको किस लेवल तक एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कितनी सुंदर और खूबसूरत हो पाएगी दिल्ली, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, स्लम्स को वहां से हटाना हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को आने देना या ना आने देना हो, क्योंकि इसमें ये भी बात हुई है कि नई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज नहीं बनने दी जाएगी, दिल्ली को अनऑथराइज्ड कॉलोनी फ्री किया जाएगा। तो ये जो है ये इतना आसान काम नहीं है कि नई अनऑथराइज्ड कॉलोनी ना बन पाए, या फिर पुरानी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को किस लेवल पे ऑथराइज किया जाएगा, वहाँ की सैनिटेशन प्रॉब्लम्स और बाकी की जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, मिक्स्ड लैंड यूजेस की जो बात हो रही है, मिक्स्ड लैंड यूज को किस तरह से यूज किया जाएगा कि जहाँ पे दुकानें हैं ऑलरेडी मार्केट जो कॉलोनियों में एग्जिस्ट कर रही हैं उसको किस तरह से टैकल करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर्स किस तरह से होंगे, पॉलिटिकल टसल्स किस तरह से होंगे, देन व्हीकल्स का डिस्पोजल कैसे होगा, जो इतनी सारे व्हीकल्स दिल्ली में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो नॉन वर्किंग कंडीशन में हैं, तो उनके डिस्पोजल का क्या प्लान होगा, किस तरह से उन्हें हटाया जाएगा, जो लोग ऑलरेडी बैठे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में या उन दुकानों में जो ऑथराइज नहीं है और जिनसे उनका काम धंधा रोजगार चल रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये सारी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम जरूर आने वाली हैं और आने वाला समय ही बताएगा कि 2041 जिस सपनों की दिल्ली की बात कर रहा है वो दिल्ली वालों को सचमुच मिलेगी कि नहीं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस मास्टर प्लान से रिलेटेड तो मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। कोई सुझाव भी देना चाहें दिल्ली सरकार को, DDA को, तो आप दे सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपकी तरफ से ये सजेशन पब्लिक पोर्टल में प्लेस कर सकूं या सरकार तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।